नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पांच अंकों की संख्या को पांच अंकों से गुणा करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। यानी ट्रिक का इस्तेमाल इस प्रकार से होगा कि इसका आंसर आपको एक ही लाइन में दे देना है। तो इसका जो नियम है वो ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पहला अंक बनना, तो आपको एक लाइन ये वाली लाइन ही लेनी है। तो इसको गुणा करेंगे चार को दो से, तो चार दुनिया आठ, आप ग्यारह देंगे, ठीक है। अब एक लाइन और बढ़ा लेंगे, एक एक बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहले ये लाइन थी, अब दो लाइन हो गई ना। अब जब हमारे पास दो लाइन होगी तो गुणा करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, ये वाला जो दो है ना इधर से, वो वाला इधर वाले दो से होगा, यानी तिरछा। दो हो जाएगा इस दो से और चार हो जाएगा पांच से। दो दुनी चार और पांचों के बीस, बीस और चार कितने होते हैं चौबीस, चौबीस का चौका और हासिल की दो, हो गया। अब आपको एक लाइन ये वाली और ले लेनी है। तो लाइन कितनी हो गई, एक दो और तीन हो गई ना। अब तीन किससे गुणा होगा, इधर से फर्स्ट है ना तीन, तो इधर वाले फर्स्ट दो से होगा। तीन को दो से करेंगे, दो को पांच से करेंगे और चार को एक से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपन इनको क्या कर देंगे, यहां पर जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इतना काम हमें कर लेना है। तो अब तीन किससे होगा, दो से। तो तीन दुनिया हो गए छह, दो को पांच से करेंगे दस और छह ये सोलह, चार एकम चार, सोलह और चार कितने हो गए बीस, और बीस में दो हासिल वाले जोड़ लेंगे तो बाईस, बाईस का दो और हासिल की भी कितनी हो जाएगी, यहां पर दो हो जाएगी। अब हमें एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। तो एक दो तीन, चौथा अंक बढ़ने के लिए चौथी लाइन तक लेना है। एक इससे गुणा होगा दो से, तीन होगा पांच से, दो होगा एक से और चार होगा तीन से, और इन सबको जोड़ना है। एक दूनी दो, दो तो ये हो गए, पांच थी पंद्रह, पंद्रह में दो जोड़ लेंगे तो सत्रह, दो एकम दो, सत्रह और दो जाएंगे उन्नीस और चार थी बारह, उन्नीस में बारह और जोड़ेंगे तो इकतीस, इकतीस में दो जोड़ लेंगे तो तैतीस, तैतीस का हो जाएगा तीन और हासिल की भी कितनी हो जाएगी तीन, ठीक है। अब एक लाइन और बढ़ा लेंगे। तो अब दो तो किससे गुणा होगा, दो से, एक हो जाएगा पांच से, तीन हो जाएगा एक से, दो हो जाएगा तीन से और चार हो जाएगा चार से। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। दो को दो से किया चार, पांच एकम पांच, चार और पांच हो गए नौ, तीन एकम तीन, नौ और तीन बारह, तीन दूनी छह, बारह और छह अठारह और चार चौक सोलह, अठारह और सोलह हो जाएंगे चौतीस, चौतीस में तीन हासिल की जोड़ लेंगे तो सैंतीस, सैंतीस का हो जाएगा सात और हासिल की हो जाएगी तीन। पांचों लाइनें कंप्लीट हो गई ना, अब और लाइन नहीं ले सकते ना। तो अब हमें क्या करना, अभी एक एक लाइन कट करते हो जाना। अब इसको हम कट कर देंगे ऐसे, यानी ये लाइन हम छोड़ देंगे। तो लाइन कितनी लेनी है, एक दो तीन और चार ही लेनी है। दो किससे गुणा होगा, पांच से, एक होगा एक से, तीन होगा तीन से, दो होगा चार से। तो पांच दूनी दस, एक को एक से किया तो एक, दस और एक ग्यारह, तीन थी नौ, ग्यारह और नौ बीस और चार दूनी आठ, बीस और आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस में तीन हासिल की जोड़ लेंगे इकतीस, इकतीस का आ जाएगा एक और हासिल की रहेगी तीन। अब हम एक लाइन और कट कर देंगे। तो लाइन कितनी रहेगी, एक दो तीन, दो को एक से गुणा करना है, एक को तीन से गुणा करना है और तीन को चार से गुणा करना है। दो एकम दो, तीन एकम तीन, दो और तीन पांच और चार ती बारह, बारह और पांच कितने हो गए सत्रह और तीन हासिल वाले जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे आप, यह हासिल हमने जोड़ ली थी, जोड़नी है ना। तो सत्रह और तीन कितने हो जाएंगे बीस, तो बीस की क्या हो जाएगी यहां पर जीरो और हासिल कितनी हो जाएगी दो। अब एक लाइन आपको और कट कर देनी है। तीन दूनी छह और चार एकम चार, छह और चार हो जाएंगे दस और दो हासिल वाले, दस और दो बारह, बारह का दो और हासिल की एक, ये लाइन और कट हो जाएगी। चार दूनी आठ और एक हासिल वाली नौ, तो इसका आंसर ये आ गया। आराम से आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेना, जब आप चेक करोगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।